आज क्या करूं मैं अब में हमारा मुद्दा है एचआईवी एड्स। अगर एचआईवी एड्स को फैलने से रोकना है तो हमें इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल एड्स के 80,000 नए केस सामने आते हैं, 62,000 से ज्यादा मौतें होती हैं और पूरी पॉपुलेशन में 2.1 मिलियन वो लोग हैं जो एचआईवी से पीड़ित हैं। जितना ज्यादा अनसेफ सेक्स होगा उतना ही ज्यादा एचआईवी होने की संभावना है। जितने ज्यादा सेक्स पार्टनर्स होंगे उतनी ज्यादा एचआईवी एड्स के फैलने की आशंका है। पार्टनर के साथ लॉयल्टी एचआईवी एड्स को रोकने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। वही रिश्तों की लॉयल्टी हमारे कहानी के किरदार में नहीं थी। फिर क्या हुआ, देखते हैं इस छोटी सी फिक्शनल कहानी को। हेलो हेलो हेलो, हु इज दिस? हेलो, कौन है इतनी रात को? ब्लैंक कॉल, तुम सो जाओ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो इतनी रात को? जरूर कोई लड़की होगी। होगी तो? मैं सिर्फ बता रही हूँ। वाह, तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुमसे तो बात करना भी कर। अब रात के 3 बजे है, मैं तुमसे झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। अब तुम चुपचाप सो जाओ। प्लीज, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है, मुझे भी झगड़ा। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? इस तरह तुम मुझे फोन करके क्यों परेशान कर रही हो? और इस तरह मुझे होटल में बुलाने का मतलब? भूल गए जान, जब हम कॉलेज में थे तुमने मुझे 100 गुलाब भेजे थे रोज डे पर। अब ये बातें दोहराने से क्या फायदा? इसका क्या मतलब? इस बात को बहुत समय हो चुका है। तब की बात अलग थी, तब हम एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। और अब तुम्हारी शादी हो गई है, यही कहना चाहते हो? हाँ, लेकिन 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 कुछ नहीं चाहते। ये पल बार बार नहीं आते, मैं उन्हीं पलों को वापस जीना चाहती हूँ, दोबारा तुम्हारा प्यार पाना चाहती हूँ। लेकिन लेकिन तुम मेरी बात क्या सोच रही हो? यही कि तुमने मुझे धोखा दिया? नहीं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो वक्त, वो हालात कुछ ऐसा था कि हम जिंदगी के सफर में एक साथ नहीं चल सके। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता जान। तुमने मुझे छोड़ा उमेश, मैं तुम्हारी यादों को नहीं छोड़ सकी। हर रिश्ते में मैं तुम्हें ही ढूंढती थी। डार्लिंग, होता है किसी किसी के प्यार का ऐसा असर कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। मैंने तो मैं यहाँ डायलॉग मारने के लिए उसे नहीं बुलाया। जो लोग प्यार की अहमियत को समझते हैं वो लोग अपना वक्त बातों में जाया नहीं करते। अभी तेज। डार्लिंग, ये तो तुम्हारी मोहब्बत का असर है। हेलो हेलो हेलो, देखिए आप जो कोई भी हैं क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं? कामिनी, दरअसल मैं तुमसे ही बात करना चाहती थी। कौन? ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे पति की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। यानी कि तुम्हारे पति का अतीत। क्या चाहती हो तुम? Well, चाहती तो मैं तुम्हारे पति को थी, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया और मैंने अपना बदला ले लिया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि
अब से जब भी तुम अपने पति के साथ शारीरिक संबंध रखोगी तब तुम दोनों को मेरी याद जरूर आएगी। हाँ कामिनी, हाँ मुझे एक बीमारी है, मुझे वीडी है, और अब ये बीमारी तुम्हारे पति को और उससे तुम्हें मिलने वाली। ऑल द बेस्ट। और हाँ, अपने पति से जरूर पूछना कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है? बाय। क्या बात है कामिनी, तुम परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं उमेश, बस सिर्फ इतना कि तुम्हारे अतीत का कर्ज हमारा होने वाला बच्चा भी चुकाएगा। तुम क्या कह रही हो? और भी HIV एड्स के बारे में जानकारी और इन्फेक्शन से दूर रहने के उपाय जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आपने अभी हमारे एक सच्ची घटना पर आधारित ये नाटकीय रूपांतर देख लिया है, तो इस कहानी के बारे में डॉक्टर राव, सबसे पहले आपसे ये सवाल है, क्या ओपिनियन है आपका, क्या राय है? ये कहानी दोहराता है कि शुरुआत एक स्वभाव से होता है, जो स्वभाव जो हमारे हीरो जो ये कहानी में है, जो उनके गर्लफ्रेंड के साथ उनका जो शादी के पहले जो रिलेशनशिप था वो जब ही टूटा, जब ही जो शारीरिक संबंध उनके शादी से पहले थे, हाँ। तो उनके जो रिलेशनशिप टूटने के वजह से जो सदमा उनके गर्लफ्रेंड को लगा था, हाँ। वही सदमा वो गर्लफ्रेंड ने एक तरीके से रिवेंज के तरह बाद में उसको इस्तेमाल किया है। बदले की भावना से वो जाग उठी। तो डॉक्टर धानु, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, ये कहानी देखने के बाद आपको क्या लगा? उनकी प्रीवियस गर्लफ्रेंड थी, ये गर्लफ्रेंड के मन में बदले की भावना है, हाँ। और ये भावना उनकी मैरिटल लाइफ यानी मैरिज की लाइफ में उनको तकलीफ पहुँचाने का उनका एम है, और ये एम उनके वैवाहिक जीवन को जैसे ख़त्म करने का उसका इरादा है, हाँ। और उन्होंने ये उनका जो एम है ये पूरी तरह से उसने कंप्लीट कर चुकी है। वो शायद वीडी हो या ना हो, लेकिन उनकी जो रिलेशनशिप है बीवी के साथ उनमें तो उसने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी दरार डाल दी, लेकिन वो सफल हो चुकी है उसमें, ऐसा आपको लगता है? मेरे मन में ज़रा भी शंका नहीं है कि ये वो सफल नहीं हो चुकी है, 100% ये सक्सेसफुल हो चुकी है इसमें। डॉक्टर हितेश, आपको क्या लगा ये हमारी कहानी देखकर, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? जी, ये जो लड़की थी जिसका प्रणय भंग हो चुका था, वो अभी वैराग्नि से पीड़ित है, और उसने सेक्स को एक हथियार के रूप में, वेपन के रूप में यूज किया, और ये जो नायक है इस कहानी का, उसकी कामाग्नि को प्रज्वलित कर दिया उसने एक कमजोर क्षण में, हाँ। जो किसी भी पुरुष के जीवन में वो कमजोर क्षण आ सकती है, हाँ। और ये दोनों चीज का शिकार हुई उस पुरुष की वाइफ, हाँ। जो अभी शायद वीडी से पीड़ित है, हाँ। और होने वाला बच्चा भी पीड़ित हो सकता है। तो ऐसा आप देखेंगे कि इस कहानी में तीनों कैरेक्टर कुछ ना कुछ तकलीफ से पीड़ित हैं, किसी का प्रणय भंग हुआ है, दिल टूटा है, लेकिन उसने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया जिंदगी में, खुद भी दुखी है और फिर से दूसरे को भी दुखी करना चाहती है। यहाँ पे एक पुरुष है जिसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, हाँ, उसने कुछ संबंध नहीं रखे थे विवाह के बाद, कोई रिलेशन रखे ही नहीं थे पुरानी गर्लफ्रेंड से, हाँ। और ही वॉज हैप्पी इन हिज मैरिड लाइफ, सडनली ब्लैंक को लाने लगा। अभी ऐसा भी नहीं कि वी कैन नॉट ब्लेम ओनली दैट गर्ल कि वो गर्ल ने इसको सीड्यूस किया है, क्योंकि ये पुरुष में भी एक कमजोर क्षण आ गई, उसमें भी जो सेक्स का जो एक अग्नि रहता है उसका उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं था, उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया सही समय पर। ये पल बार बार नहीं आते, मैं उन्हीं पलों को वापस जीना चाहती हूँ, दोबारा तुम्हारा प्यार पाना चाहती हूँ। लेकिन तुम मेरी बात क्या सोच रही हो, यही कि तुमने मुझे धोखा दिया? नहीं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया,
वो वक्त वो हालात कुछ ऐसा था कि हम जिंदगी के सफर में एक साथ नहीं चल सके। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता जान। तुमने मुझे छोड़ा उमेश, मैं तुम्हारी यादों को नहीं छोड़ सकी। हर रिश्ते में मैं तुम्हें ही ढूंढती थी। डार्लिंग, होता है किसी किसी के प्यार का ऐसा असर कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए उसका शिकार हो गया, तो इसकी तो जिम्मेदारी उसको खुद को ही लेनी पड़ेगी। तो अभी शायद वो भी बीड़ी का शिकार हो गया है, और उसने वो बीड़ी शायद अपनी वाइफ को और बच्चे को भी ट्रांसफर कर दी है। तो देखेंगे कहानी में कि तीनों जन कोई ना कोई तकलीफ से पीड़ित है, चाहे मानसिक का हो चाहे शारीरिक का हो, और एक बहुत बड़ा फैमिली और सोशल इशू बन गया इनके जीवन में। बिल्कुल सही है डॉक्टर हितेश, आपसे सवाल है, गुप्त रोग क्या है? गुप्त यानी जो चीज़ हम छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं है। तो जो भी बीमारियाँ हमारे गुप्त अंग से संलग्न है, मतलब जो जेनाइटल ऑर्गन्स में जो बीमारियाँ होती है, उसे गुप्त रोग की कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा। और ये खास तौर पे ये सेक्सुअल रिलेशन से ट्रांसमिट होते हैं। इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनेरियल डिजीज, वेनेरियल यानी ग्रीक टर्म है, वेनेरियल का मतलब भी होता है गुप्तांग। अच्छा। तो गुप्त रोग यानी जो जेनाइटल ऑर्गन्स सेक्सुअल ऑर्गन्स में जो बीमारियाँ होती है। अच्छा। ये इन्फेक्टिव बीमारियाँ है, ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को लग सकती है। और वो कंटेजियस नहीं है, वो कॉन्टेक्ट इसके साथ मतलब संबंध रखने से ही फैलती है जी। और आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर धानु कि गुप्त रोग किस प्रकार के होते हैं? गुप्त रोग अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें कोई उसे शारीरिक में दिखते हैं, कोई ब्लड टेस्ट से पता चलते हैं, कोई थोड़े डेंजरस है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुप्त रोग से किसी ना किसी तरह से शरीर पे कुछ ना कुछ हानिकारक इफेक्ट होता ही है। अच्छा। ये सिर्फ अपने शरीर पे ही नहीं होता है, जिसके साथ आप संबंध रखते हैं उन पे भी हो सकता है, क्योंकि जब आप ट्रांसमिट करते हैं तो उनके ऊपर भी वही इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैरिज में इन अ कपल जो मैन और फीमेल होती है, जो पुरुष मतलब स्त्री और पुरुष होते हैं, तो उनसे जो बच्चा पैदा हो सकता है उनको भी कोई कोई इफेक्ट्स हो सकते हैं इस पे। इसकी वजह से कोई उसको डिफेक्ट आ सकता है उस बच्चे अगर ये ज़्यादा करके देखते हैं कि पहले 3 महीने में उनके अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, और यही टाइम पे अगर ये वीडी या वेनेरियल डिजीज या कोई गुप्त रोग ट्रांसमिट हो जावे तो उसके इफेक्ट्स बच्चे पे कोई ना कोई कंजेनेटल डिफॉर्मिटी यानी कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है उसके ब्रेन पे, हैंड्स पे, हार्ट पे, कुछ ना कुछ आप देख सकते हैं। अच्छा। और इसके क्या कुछ नाम हैं, कुछ आप वेनेरियल डिजीज़ के नाम बता सकते हैं जो वेनेरियल डिजीज कॉमन है ज्यादातर? बहुत कॉमन जो है वो है सिफिलीज, गनोरिया, हर्पीज, जेनाइटल वॉट्स जो बोलते हैं, और गए 10-15 सालों में जब अब बहुत ही ज्यादा उनका प्रमाण बढ़ चुका है वो है एचआईवी। एचआईवी इज अ डिजीज जो बहुत सोशल इफेक्ट हो चुका है। और हमारे इस कहानी का जो नायक है वो ऐसा मतलब अंत में हम देखते हैं कि शायद वो जो उसकी जो प्रेयसी है पहले के ज़माने की, वो उसकी बीवी को बोलती है कि ये रोग मैंने अब तुम्हारे पति को दे दिया है। तो हो सकता है कि इस पॉइंट पे आके कहानी रुकती है कि हो सकता है कि उसे वो डिजीज़ हो गया हो या रोग उसको हो गया हो या नहीं हो गया हो। तो ये क्या ये फेटल भी होता है? इससे क्या ये हानिकारक मतलब उससे जीवित हानि भी हो सकती है? फेटल जो आप बोलते हैं जीवन को जो जीवन को हानि हो सकती है, हानि हो सकती है, मर सकता है आदमी इससे, मर सकता है। बट आज की मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि एक प्रकार का जो रोग है वेनेरियल डिजीज जिसको सिफिलिस कहते हैं, तो पहले इस रोग के ऊपर कोई भी इलाज नहीं था। हाँ। तो वो प्रोग्रेस बढ़ के वो लास्ट में उसका इफेक्ट हार्ट पे और ब्रेन पे होता था, और फिर आदमी मर सकता था उससे। अच्छा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सकता है उसका। दूसरा रोग जो है वीडी में उसको बोलते हैं एचआईवी। जो एचआईवी अगर प्रोग्रेस हो तो उसका उसे कहते हैं एड्स हो चुका है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ। एचआईवी का
के बारे में बहुत ही स्टडीज चले हैं उसके बारे में तो बहुत चल रहा है, लेकिन वीडी बाकी जो ये जो नाम बताएं सिफिलिस या गोनोरिया उसके बारे में मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत ही कम है लोगों में। आप साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर राव, आपसे पूछना चाहूँगी इस ये जो कहानी है इसमें हम देख रहे हैं इसमें दो पहलू इसमें स्पष्ट हैं, एक तो बदले की भावना है जो हमारी जो दूसरी नायिका है उसके मन में वो जाग उठी है बदले की भावना। क्या चाहती हो तुम? वेल चाहती तो मैं तुम्हारे पति को थी लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया और मैंने अपना बदला ले लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि अब से जब भी तुम अपने पति के साथ शारीरिक संबंध रखोगी तब तुम दोनों को मेरी याद जरूर आएगी। हाँ कामिनी, हाँ मुझे एक बीमारी है, मुझे वीडी है और अब ये बीमारी तुम्हारे पति को और उससे तुम्हें मिलने वाली। जब किसी को इस प्रकार का रोग होता है तो क्या वो उसका पहला रिएक्शन, ऐसे ऐसे रोगी तो आपके पास आते होंगे या ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे, तो क्या रिएक्शन होती है उनकी, क्या मानसिकता होती है उनकी? जैसे एक गुप्त रोग ऐसा एक शर्मनाक चीज़ है लोगों को, तो एक तो एक उनको पता भी हो ये रोग हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहता लक्षण क्या है। जब भी उनको पता चले कि ये लक्षण हुआ उनको गुप्त रोग हुआ है तो शर्म के मारे अपने डॉक्टर के पास नहीं जाते कि अपने डॉक्टर को पता चले मुझे गुप्त रोग हुआ है कैसे हुआ है, ये सारे प्रश्न सब दूसरे लोगों को पता चले अपने फैमिली में, बात तो आगे निकल जाती है। कभी कभी वो सही डॉक्टर के पास नहीं सलाह लेते हैं, कोई अनक्वालिफाइड लोगों के पास जाते हैं और बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है वो शर्म के मारे वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी ये खलनायिका है बदले की भावना से जो जाग उठी है तो सचमुच क्या ये ऐसी भावना जाग उठती है उनके मन में कि ये रोग मैं किसी और को भी दूँ? एक कुछ हद तक ये हो सकता है लेकिन बहुत कम लोग में होता है, ज़्यादा करके लोग छुपाते हैं ये कि किसी को ना हो या किसी को पता ही नहीं हो, कभी कभी वो खुद से भी छुपाते हैं कि नहीं नहीं अभी सब ठीक हो जाएगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा करके वो सबसे पहले तो जब उनको मालूम होता है कि मुझे ये रोग हुआ है तो एकदम से शर्म तो उनको महसूस होती होगी लेकिन सबसे पहले गुस्सा भी उनको आता होगा अपने आप के ऊपर। हम जो बोलते हैं कि गुप्त रोग जो होता है बिकॉज इसमें जो हम बोलते हैं कि फैक्टर जो है सेक्सुअल मैटर जो है जी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि एक सिन हो गया कि बोलते हैं भगवान से माफ़ी मांगो सब ठीक हो जाएगा। इलाज तो, का जो बोलते हैं दौर वो लेटर बहुत देर से आती है। हाँ। उसके पहले वो अपने अंदर ही वो घुटते रहते हैं कि मेरे झुलसते रहते हैं कि ये क्यों हो गया ऐसा, करना नहीं चाहिए था। तो इसका उत्तर ढूंढते हैं ब्रेक के बाद। आइए ब्रेक के बाद क्या करूं मैं अब, मैं आपका हार्दिक स्वागत। डॉक्टर हितेश शाह, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप सेक्सोलॉजिस्ट हैं तो हमारा जो नायक है वो पहले उसका संबंध था इस लड़की के साथ कॉलेज के ज़माने में, फिर उसकी शादी हो गई, अच्छी उसका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था गृहस्थी जीवन, और अचानक से ये लड़की फिर से उसको फ़ोन करती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसके पास जाता है और आज वैवाहिक संबंध रखना, विवाह बाह्य संबंध रखना खतरे से खाली नहीं है, ये तो सभी जानते हैं आज के ज़माने में, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे में? जी देखिए, हर एक पुरुष पोटेंशियली वल्नरेबल है विवाह बाह्य संबंध में शामिल होने में, कोई भी सिचुएशन में वो उसके लिए आकर्षित हो सकता है। हाँ। यहाँ तो ये सिचुएशन थी कि एक्स गर्लफ्रेंड भी थी तो कहीं दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था वो लड़की के लिए, उसने बुलाया, उसके लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन था, प्राइवेसी थी। हाँ। वो लड़की ने शेड्यूल भी किया। हाँ। लेकिन इसके अलावा आम लाइफ में आप देखेंगे कि जैसे आजकल लोगों का बियर बार, डांसिंग बार में जाना कॉमन हो गया है, आजकल जो टाइप की ड्रेस सेंस लोगों में चलने लगी है, आजकल जो टाइप का आपस में मिलना जुलना होने लगा है अपोजिट सेक्स के साथ जी, तो इसमें क्या होता है कि सामने वाली जो पार्टी है चाहे पैसे के लिए है, चाहे मस्ती मजा के लिए, या चाहे कोई भी कारण के लिए, हो सकता है कि आपको सिड्यूस करे। तो और पुरुष के अंदर तो ये कामाग्नि तो रहता ही है, तो उसे उसके बारे में हमेशा जागरूक रहना चाहिए, सावचेत रहना चाहिए। और जैसा आपने शुरुआत में बताया प्रोग्राम के, नैतिक मूल्यों के पतन से
इंसान को ये सब बीमारियाँ होती हैं जो वीडी होता है। हाँ, तो ये नैतिकता का भी प्रश्न है जी, ये सिर्फ मेडिकल मुद्दा नहीं है, ऐसा आप स्ट्रांगली मानते हैं। करेक्ट, क्योंकि उससे अल्टीमेटली नैतिकता का माने ये है कि जो कौटुंबिक सुख है, जो आपसी ट्रस्ट है, इंटीमेसी है, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो इंटीमेसी है, उस पर इसका पूरा इफेक्ट आता है। बिल्कुल, ये फिल्म में भी आप देखेंगे, अभी इट्स नॉट जस्ट क्वेश्चन ऑफ वीडी, अभी उस औरत की क्या हालत दिल से हुई होगी, उसका हाँ। दिल टूट गया होगा हाँ। और उसका कोई दोष नहीं था, उसका तो कोई दोष भी नहीं था, उसने पति पे पूरा विश्वास किया है, पूरी पूरा डेडिकेशन है, लेकिन अभी तो उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह हो गया ना कि ये मैरिड लाइफ क्या है मेरे लिए। बिल्कुल, और वेयर देयर इज नो ट्रस्ट देयर इज हार्डली एनीथिंग एल्स इन एनी रिलेशन। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर धानु, क्या आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आजकल जो कॉलेज की लड़कियां हैं या लड़के हैं, क्या उनमें ये प्रमाण ज़्यादा है, क्योंकि उनमें एक जिज्ञासा होती है सेक्स लाइफ को लेकर। मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से चांस जो होता है वेनेरियल डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने का, उसका भी चांसेस बढ़ते ही रहते हैं। बहुत ही पढ़े लिखे भी रहते हैं, हमारे पास में क्लिनिक में भी आते हैं। इनका एक और कारण हो सकता है कि ड्रग्स अल्कोहल, उसका भी शायद इंसिडेंस बढ़ चुका है। अच्छा। तो ये जो होते हैं दे आर इम्पल्सिव एक्ट्स ऑफ सेक्स, और उस वक्त पे शायद उनके पास कॉन्डोम्स नहीं हो जिससे सेफ सेक्स प्रैक्टिस कर सके। तो विवाह बाह्य संबंध रखना आपको लगता है कि डेंजरस, आज के हिसाब से डेंजरस है, नैतिकता के हिसाब से या फिर मेडिकल के हिसाब से, आपको क्या लगता है डॉक्टर हितेश शाह? जी, महत्व की बात यह है कि हर एक वैवाहिक जीवन में दंपति का जो सेक्स लाइफ है वो काफ़ी एनरिच होना चाहिए, क्योंकि वो एनरिच नहीं होता है, खास करके लेडीज सबमिसिव रहती है, इनहिबिटेड रहती है हाँ। उसने खुल के अपनी सेक्सुअलिटी का अनुभव या एक्सप्रेशन नहीं किया होता है, तो पुरुष भी खुश नहीं रहता है उससे हाँ। तो इससे क्या होता है, पुरुष बाहर जाता है, जैसे कि मसाज पार्लर है हाँ। या ओरल सेक्स के लिए हाँ। तो सेक्स का विज्ञान समझकर अगर सेक्स की कला को स्त्री पुरुष आपस में प्यार मोहब्बत से डेवलप करें अपने ही वैवाहिक जीवन में, तो बाहर जाने की संभावना या जरूरत बहुत कम हो जाएगी। हालांकि देखो, ह्यूमन बीइंग इज पॉलीगेमस बाय नेचर, नैतिकता, समाज, मूल्य, ये सब महत्व की बातें हैं, लेकिन बाय नेचर मैन और वुमन इज पॉलीगेमस। बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम इफ़ वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड इफ देर इज अ रिस्क ऑफ आवर सेक्शुअल हेल्थ, ऑफ आवर इमोशनल हेल्थ, इफ देर इज डेंजर टू आवर इंटीमेसी एंड लव रिलेशनशिप एंड टू आवर हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ लाइफ, इट इज़ बेटर दैट वी एनरिच आवर सेक्स लाइफ विद इन आवर ओन मैरिड लाइफ। मतलब उसको विवाह बाह्य संबंध को और जरूरत ही ना पड़े, जरूरत ना पड़े। अंदर अंदर अगर अंदर अगर ये वैक्यूम होगा तो कभी भी आप उसके शिकार बन जाओगे, लेकिन अंदर वो वैक्यूम नहीं है हाँ। अगर आप फुलफिल्ड अपनी मैरिड लाइफ में तो आप इसके परे जा सकते हैं। आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? आपने कहानी देखी है, उसका एंड देखा है, तो क्या उपाय बताना चाहेंगे आप? जी, पहले तो पुरुष को या नायक को अपनी जो गैर जिम्मेदार वर्तणूक थी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका उसके कन्फेस करना चाहिए, वाइफ के सामने एडमिट करना चाहिए कैसे रिलेशन थे और इस वक्त मैंने कमजोरी में ऐसा स्टेप ले लिया है और इसकी ये इफेक्ट हो सकती है हमको, हमारी मैरिड लाइफ को हाँ। बट साथ में ही उसको एक जिम्मेदारी पूर्वक फ्यूचर में कैसे वर्तन करना है हाँ। उसका पूरा रियलाइजेशन आना चाहिए, एहसास होना चाहिए, जहाँ तक ये पुरुष का सवाल है। साथ में उसने मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए अपना और वाइफ का भी। और जहाँ तक वाइफ का सवाल है, देखिए उनका तो ट्रस्ट बिट्रे हो चुका है, एक औरत की हालत आपने देखी, जब उसका ट्रस्ट बिट्रे हुआ तो कैसी प्रॉब्लम में गई हाँ। तो यहाँ एक मैरिड वूमन जो डिवोटेड है हाँ। उसका ट्रस्ट अभी बिट्रे हुआ है, विश्वास हाँ। भंग हो चुका है हाँ। तो डेफिनेटली उसका दिल में जो दर्द है, दिल में जो पीड़ा है, जो इमोशनल ट्रॉमा हुआ है हाँ। उसका वैसे देखने जाए तो समय ही इलाज है। हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हम ये नहीं बोल सकते कि आप अपने हस्बैंड को माफ़ कर दो। वी हैव टू फर्स्ट ग्रांट हर, जो आपको हर्ट हुई है वो वाजिब है हाँ। लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी अभी पुरुष की हो जाती है कि फ्यूचर में उसका बिहेवियर कैसा होगा। अच्छा, ही शुड नॉट कॉन्टेक्ट दैट वूमन फॉर एनी रीजन इन फ्यूचर हाँ। मतलब लकीली अगर उसको वो बीमारी हुई नहीं है हाँ। वो गुप्त रोग अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो, और अगर उसने उसे ये गुप्त रोग हुआ है डॉक्टर धानु, तो किस प्रकार से उसका सामना उसने करना चाहिए हमारे नायक ने? अगर उसे गुप्त रोग हो चुका है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट और वेनेरियल डिजीज स्पेशलिस्ट, और उनसे जाके उन एग्जामिनेशन करने चाहिए,
टेस्ट करने चाहिए, और जैसे वो डॉक्टर बताता है कि क्या दवाई इलाज करना चाहिए वो उसी ने करना चाहिए. इन द मीनवाइल रिलेशंस नहीं रखने चाहिए जब तक बीवी के साथ, अपने बीवी के साथ जब तक ताकि वो, उसे वो कुछ प्रूव नहीं होता है कि उसे कौन सी तरह की बीमारी हो चुकी है, ताकि वो उसको संसर्ग ना हो. इमीडिएटली जो गुप्त रोग बता देता है पेशेंट को कि हो चुका है इस गनोरिया, गनोरिया में वाइट डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द पीनिस. अच्छा. फिर यूरिन पास करने के वक्त पर बहुत ही बर्निंग हो जाती है, तो अपने आप पेशेंट को पता, वो आदमी को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ उसके उसे बीमारी लग चुकी है. हाँ. फिर कब कब थोड़े से छाले आ जाते हैं या गांठ आ जाती है, तो इससे उसे पता चल सकता है कि उसे आ चुका है कि नहीं आ चुका है. और ये बहुत पेनफुल होता है उसे, पेन हो सकता है नहीं भी हो सकता है. अच्छा. तो बहुत से ऐसे गुप्त रोग है जो बोलते नहीं है, सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो साइलेंटली अंदर बढ़ जाते हैं. वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी को कि ये लड़की की ये मानसिकता हुई है कि बदले की भावना से वो जाग उठी है कि मुझे किसी तरह से इस तरह बदला लेना है क्योंकि उसने मुझसे शादी नहीं की, तो आप कैसे डील करते हैं ऐसे पेशेंट्स के साथ, क्या उपाय होना चाहिए इसका? ऐसे लोगों को ज़्यादा करके सपोर्ट चाहिए, बिकॉज उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी है दैट हैज़ कॉल्ड ऑल दीज प्रॉब्लम. कि उनके जो इनसिक्योरिटी है कि आदमी के तरफ या समझो भावना के तरफ, दे आर नॉट एबल टू हैंडल सच इमोशंस लाइक लव. सो प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ देयर वे ऑफ शोइंग इट. क्योंकि हमारी कहानी में तो दो भाग हैं, एक तो वेंड्रल डिजीज शायद उसको हुआ है और दूसरा उस लड़की का बर्ताव, उसका बिहेवियर, ये दो चीज़ें, उसका क्या उपाय है? मोस्टली दीज आर हम लोग जो बोलते हैं ये प्रकार के एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. इनका उनका स्वभाव में जो परिवर्तन आना है तो इसके लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म जो हम लोग बोलते हैं साइकोथेरेपी है या जो काउंसिलिंग है, उनके जो उनके जो डीपर रूट्स हैं, जो उनके अंदर जो हम लोग बोलते हैं कि कमियां हैं, समझो जैसे अभी ये गुस्सा बाहर आया था या उनके अंदर जो बदले की भावना बाहर आई थी, वैसे स्वभाव में और भी कुछ जैसे रहेंगे. जैसे एक बार हम लोग ने बोला था कि जैसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर है या समझो इम्पल्सिविटी है, तो दीज थिंग्स आर सम ऑफ द रूट कॉजेज जो वेनेरियल डिजीज है. एग्जैक्टली. मुझे क्या लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए जो भी साइकोथेरेपी या साइकेट्रिस्ट मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब उनको हाँ, पता चलता है कि ये जिंदगी का अंत नहीं है, आगे जिंदगी पड़ी है और उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो आगे की जिंदगी बिना किसी को तकलीफ दिए खुद पे चल सकती है. और सबसे पहले तो आप ये बताना चाहेंगे कि इसका उपाय ये है कि उसका सामना करें. करेक्ट. कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे एक लाइन में या कुछ शब्दों में कि आपका सोसाइटी के लिए इस चीज़ को लेकर क्या संदेश है, डॉक्टर हितेशा? समाज में कोई भी पुरुष अगर कोई भी कारणवश नैतिकता का उल्लंघन करके विवाह बाह्य संबंध रखता है तो उसे एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको वीडी लगता है कि नहीं, और लगता है तो वो अपने वाइफ को ट्रांसफ़र ना करें क्योंकि वो एक इनोसेंट विक्टिम है. एक और दूसरा, हर्ट फीलिंग्स जैसे औरत में थी और उसने बदला लिया, हर्ट फीलिंग्स या डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब का होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया सुंदर इलाज है जिससे इंसान फीलिंग्स को ओवरकम करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है. अच्छा, थैंक यू. और आप डॉक्टर धनु, क्या मैसेज देंगे, आप क्या संदेश देंगे? संदेश एक ही है कि डू नॉट टेक एनी रिस्क्स. कोई भी रिस्क, ऐसा कोई भी काम नहीं करो जिससे अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ खतरे में हो सकती है. और अगर कोई ऐसा मौका आवे आ जाए कि ओवरकम नहीं कर सकते, बी केयरफुल. हाँ. और डॉक्टर राव, आप क्या मैसेज देंगे? आई थिंक अनदर पॉइंट जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो इनकी फैमिली लाइफ में जो ओपननेस है, जो कम्युनिकेशन ओपन रखना चाहिए, जो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की तरफ ज़्यादा उनमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना, जो खुले मन से एक दूसरे के मन की भावना है या जो दुख है एक दूसरे के साथ ओपनली बात करें, तो ये प्रॉब्लम उसकी चर्चा होनी चाहिए उन दोनों के बीच. एग्जैक्टली. तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो सकती है और इस तरह का रोग होने से वो बच सकते हैं. एग्जैक्टली. तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने यहाँ आकर अपना अमूल्य समय दे दिया, इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम केयर की टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
हमारा प्रोग्राम क्या करूं मैं अब आपकी समस्याओं को सुलझाने की लगातार कोशिश कर रहा है। हमें आपके फीडबैक से बहुत कुछ मिला है। कीप ऑन राइटिंग टू अस। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे क्या करूं मैं अब के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा। दिस इज योर होस्ट वर्षा उजगांवकर सेइंग गुड बाय टू यू। टेक केयर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।